उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज मुरैना दौरा है। जौरा और अंबाह विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा मुख्यमंत्री की होगी। सुबह 11 बजे जौरा शहर में जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे अंबाह विधानसभा के ग्राम नगरा मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज मुरैना दौरा है। जौरा और अंबाह विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। सुबह 11 बजे जौरा शहर में जनसभा होनी है। दोपहर 1 बजे अंबाह विधानसभा के ग्राम नगरा मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री या यूं कहें बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। एक दिन में 7 से 8 सभाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्रिमंडल लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटा हुआ है। एक बात तो साफ है कि कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर देखें तो बहुत ज्यादा वक्त अब उपचुनाव में बचा नहीं है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, महज 10 दिन ही माने जिसमें चुनाव प्रचार होना है। क्या आपको स्थिति इस वक्त नजर आ रही है चुनाव प्रचार को लेकर? बयानबाजी भी तेज हो गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से बहुत ज्यादा भी प्रचार किया नहीं जा रहा, जबकि सबसे ज्यादा सीटों की जरूरत कांग्रेस को ही नजर आती है। अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से चुनाव धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो चुनाव प्रचार है वो भी काफ़ी तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुंजन, आपने देखा होगा कि पूरी कमान संभाले हुए हैं। हालांकि उनके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तमाम लोग लगातार पहुँच रहे हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो आज उनका मुरैना दौरा है, जहाँ पर वो जौरा, मुरैना जिले की जौरा विधानसभा और अंबाह विधानसभा पहुँचेंगे और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आज वो चुनाव प्रचार करेंगे। लगातार ताबड़तोड़ रैलियाँ की जा रही है और बीजेपी को वैसे भी पहले से जा रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में कांग्रेस इस समय काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस इस मुकाबले में भी काफी पीछे है कि बीजेपी को मात दे पाए। क्योंकि देखिए, कमलनाथ जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उससे चार, हम ये कहा जा सकता है, उससे चार घर आगे चल के बीजेपी अपना चुनाव प्रचार मजबूत किए हुए है। और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात पर जोर बनाए हुए हैं कि किस तरह से उन्हें कांग्रेस के की एक भी सीट नहीं आने देना, और यही वजह है कि वे लगातार सभी सीटों पर जाकर कांग्रेस के खिलाफ जहां अपने भाषण देते हैं तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल आपने देखा होगा कि मौन व्रत था, उसके तुरंत बाद भी वो विधानसभा क्षेत्रों में निकल गए थे और अपना उन्होंने दौरा शुरू किया था और चुनाव प्रचार शुरू किया था। आज भी 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुरैना जिला पहुंचेंगे, ग्वालियर से वो सीधे मुरैना पहुंचेंगे। मुरैना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उनका जो पूरा रूट प्लान बनकर आया है वो इस प्रकार है कि भोपाल से वो हेलीकॉप्टर, वो हवाई यात्रा के माध्यम से ग्वालियर पहुंचेंगे, ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए मुरैना पहुंचेंगे, मुरैना से फिर वो गाड़ियों के जरिए सीधे अंबाह पहुंचेंगे और अंबाह से जौरा पहुंचेंगे और यहाँ पर वो चुनावी प्रचार करेंगे। और जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर प्रदेश का मुखिया जनता के बीच में पहुँचता है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करता है तो इसका जो असर है वो अलग ही पड़ता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रतिदिन जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जहाँ प्रचार कर रहे हैं तो वही बीजेपी की नीतियों से जनता को अवगत करा रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद सीटें हम आप हमें जिताते हैं तो क्षेत्र में किस तरह का विकास किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास की गंगा बहाई जाएगी। ठीक है जितेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे। आगे बढ़ते हैं उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर। पूरी हुई उपचुनाव से नाम वापस लेने की प्रक्रिया। नाम वापसी लेने के आखिरी दिन 35 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। 28 सीटों के लिए अब 355 प्रत्याशी मैदान में हैं। एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, 35 नाम वापस लिए, 28 सीटों पर 355 प्रत्याशी मैदान में हैं। कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। शुभम, माफ कीजिएगा, जितेंद्र लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर देखें तो नाम वापसी की प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है, अब महज 10 दिन ही बाकी बचे हैं जब चुनाव प्रचार करना है, जनता तक इस बात को पहुंचाना है कि आप हमें वोट दीजिए या अपना जनादेश हमें दीजिए, उसी के बाद ही राजनीतिक पार्टियों को जीत हासिल हो पाएगी। बिल्कुल देखिए, 10 दिन काफ़ी अहम हो सकते हैं बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये 10 दिन बचे हैं जिसमें आपको पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार करना है, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है, अपने नेताओं के पक्ष में प्रचार करना है और आपको ये बताना है कि पार्टी की नीति रीतियाँ क्या हैं। कल नाम वापसी का जो दिन था, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जैसे दोपहर के 3 बजेंगे तब तक पता चल जाएगा कि कितने प्रत्याशियों के नाम वापस हो रहे हैं। देखिए, करीब 35 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी और कांग्रेस के ही ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो नाराजगी में अपना फॉर्म जरूर भर देते हैं,
लेकिन जब उन्हें मनाया जाता है उसके बाद वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। और जैसे कि कल नाम वापसी का दिन था तो ऐसे में 35 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए 28 विधानसभा सीटों से। जाहिर सी बात है समय काफ़ी कम बचा है, महज 10 दिन का समय बचा है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में जिसने भी इन 10 दिनों के अंदर अपनी जो कहा जा सकता है कि अपनी महत्वपूर्णता दिखाते हुए और अब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार करा, मैदान में नजर आया, जनता के बीच में नजर आया, प्रत्याशियों के साथ चला, ये मानिए कि चुनाव में जीत उसकी पक्की होती है। और ऐसे में यहाँ चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि चुनाव के जो अंतिम दिन होते हैं वही परिणाम को बदलने में काफी ज्यादा बेहद भरोसेमंद होते हैं, वही कब से बिल्कुल जितेंद्र आने वाले दिनों में स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है, स्टार प्रचारक भी अब प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, उसका कितना असर अब आने वाले 10 दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी की तरफ से भी आ चुकी है, कांग्रेस की तरफ से भी आ चुकी है और लगातार दोनों ही जो नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से बड़े नेताओं का नाम कहा गया था, ऐसे बड़े नेता भी चाहे बीजेपी की हम बात करें कांग्रेस की बात करें नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की जो लिस्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े नेताओं की है, लेकिन उनमें से एक भी नेता अभी तक ना तो नजर आया ना कहीं ग्राउंड पर दिखाया, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल है, सचिन पायलट शामिल है, अशोक गहलोत शामिल है, तमाम लोग हैं। हालांकि बीजेपी ने जिस प्रकार से उम्मीदवारों की अपनी सूची बनाई थी, जो जिन लोगों का नाम बताया था उसमें से आधे से ज़्यादा लोग चुनावी प्रचार में शुरुआती दिन से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं जिनको जनता भी देखना चाहती है, और ये कहा जाता है कि बड़े चेहरे आके चुनाव में जो सीट है उसमें जो वोट बैंक है उसको बदलने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारकों का काम ही ये होता है कि पार्टी की हवा को इस तरह से बहाना कि वो जनता के बीच में असर करे और जनता का जो वोट है वो उसकी पार्टी को मिले। तो देखना ये होगा कि आखिर कब ऐसा होगा जब बीजेपी के और कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं जिन्हें स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा गया है वो कब मध्य प्रदेश आते हैं, क्योंकि देखिए समय कम बचा है। अगर एक दिन भी एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है, तो ऐसे में उनको सारी सीटें कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सभी नेताओं की सिर्फ एक कोई सभा मध्य प्रदेश के अंदर हो सकती है और उसी के आधार पर चुनावी जो बेला है, चुनावी जो मौसम है, उसमें अपनी पार्टी के प्रति प्रचार ये लोग कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ऐसा कब होगा जब बड़े नेता मध्य प्रदेश आएंगे और मध्य प्रदेश में आकर चुनावी प्रचार में अपनी हिस्सेदारी जमाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महज अब 10 दिन ही बाकी बचे हैं, 10 दिनों में ही ये तय हो जाएगा, जनता के मन में भी ये लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें अपना वोट किसको देना है। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार जनता के बीच जा रही हैं और वोट की अपील भी कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी है, जो बीजेपी लगातार ये सोच रही है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जनता के मन में आए, क्योंकि बयानबाजी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी हो गई है और भूखे नंगे जैसे बयान सामने आए। इसके साथ साथ इमरती देवी को लेकर जितना भी कांग्रेस की ओर से कहा गया उसके बाद एक सॉफ्ट कॉर्नर जनता के मन में पैदा करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अब कितना फायदा इसमें बीजेपी को मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।